Hello children, good morning to all. Today we are here again for our next online class of subject English First. Today we are going to learn English First and our next lesson is lesson number 2, The Girl on the Train. Students, in this page there is a picture is given. Color the picture of the train and write the name of its different parts in the right place. Different means अलग अलग. यहाँ एक बॉक्स दिए हुए हैं जिसमें खाली जगह है जहाँ पे आपको लिखना है और ऊपर के बॉक्स में कुछ नाम दिए हुए हैं. इस रेल के जो पिक्चर है इसमें जिस जगह जो आएगा, जैसे इंजन कहाँ है, रेल ट्रैक कहाँ है, कैरेज कहाँ है, व्हील कहाँ है, वो आपको इन खाली बॉक्सेस में लिखना है ऊपर से देख के. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कलर द ट्रेन एंड देन फिल दीज बॉक्सेस बाय चूजिंग करेक्ट वर्ड. कम टू द नेक्स्ट पेज. नाउ रीड द स्टोरी. बिंदु एंड हर मदर आर ऑन अ ट्रेन. स्टूडेंट्स, अंडरलाइन द हार्ड वर्ड्स. बिंदु, बी आई एन डी यू, बिंदु. मदर, एम ओ टी एच ई आर, मदर. ट्रेन, टी आर ए आई एन, ट्रेन. दे लुक आउट ऑफ द विंडो. अंडरलाइन विंडो, डब्ल्यू आई एन डी ओ डब्ल्यू, विंडो. विंडो मीन्स खिड़की. ग्रीन फील्ड गोज पास्ट. अंडरलाइन फील्ड, एफ आई ई एल डी, फील्ड. फील्ड मीन्स ओपन लैंड, खेत. वेयर वी ग्रो क्रॉप्स, जहाँ हम फसल उगाते हैं. द राइस प्लांट्स वेव टू हर. अंडरलाइन वेव, डब्ल्यू ए वी ई, वेव. वेव मीन्स मूव हैंड फ्रॉम साइड टू साइड. हम हाथ हिलाते हैं, किसी को देख के हाय करते हैं, उस तरह से. बिंदु वेव्स बैक. अंडरलाइन बैक, बी ए सी के, बैक. वन डे बिंदु एंड हर मदर वेयर ट्रैवलिंग ऑन अ ट्रेन. देयर वेयर सिटिंग नियर द विंडो एंड बोथ वेयर लुकिंग आउटसाइड. फर्स्ट ऑफ ऑल बिंदु सॉ ए ग्रीन फील्ड. इन द ग्रीन फील्ड देयर वेयर राइस प्लांट्स एंड दे वेयर वेविंग टू बिंदु. बिंदु वेव्स बैक टू देम. एक दिन बिंदु अपनी मदर के साथ ट्रेन में ट्रेवल कर रही थी और वो लोग खिड़की के पास बैठे थे और बाहर को देखे तो उन्होंने हरी खेत देखे और उस खेत में राइस प्लांट्स लगे थे और वो राइस प्लांट यहाँ पे बोला है कि वेव कर रहे थे. वेव कर रहे थे मींस वो हवा में हिल रहे थे और बिंदु को ऐसा लग रहा था कि वो उसको वेव कर रहे हैं, तो बिंदु ने भी उनको वेव बैक किया. सेकंड पैराग्राफ. अ ट्री गोस बाय, द लीव्स डांस इन द ब्रीज. अंडरलाइन डांस, डी ए एन सी ई, डांस. Dance means move your body to the sound and rhythm of music. Underline breeze, B R double E Z E, breeze. Breeze means a light and pleasant wind, halki hawa chalna. Bindu waves to them. A bird flies out from the tree. बिंदु वेव्स टू इट. बिंदु सीज अ काउ ईटिंग ग्रास. ग्रास मीन्स घास. इट लिफ्ट्स इट्स हेड एंड से मू. अंडरलाइन लिफ्ट्स, एल आई एफ टी एस, लिफ्ट्स. लिफ्ट्स मीन्स उठाना. शी वेव्स टू द काउ. बिंदु सा अ ट्री गोस बाय, अ बर्ड एंड cow. Cow was eating grass. Bindu waves her hand to all of them back happily.
बिंदु का ट्रेन जा रहा था उस समय, अब उसने क्या देखा, उसने देखा कि पेड़ जो है गुजर रहे थे। जब ट्रेन आगे को जाता है तो हमें लगता है कि पेड़ पीछे को जा रहे हैं। अब बर्ड, एक चिड़िया एंड अ काउ, और काउ क्या कर रहा था, घास खा रहा था, और सर उठा करके बिंदु को देख के मू आवाज़ किया। ओके और बिंदु ने क्या किया, उनको हैप्पली हैंड वेव किया बैक। कम टू द थर्ड पैराग्राफ। अ ट्रैक्टर गोज बाय, अंडरलाइन ट्रैक्टर, टी आर ए सी टी ओ आर, ट्रैक्टर। A man is sitting on it. He waves to Bindu. Bindu waves back. There is a railway gate, underline railway gate. Railway, R A I L, rail, W A Y, railway, gate, G A T E, gate, railway gate. A bus is standing at the gate. There are lots of school children in the bus. Underline lots of, L O T S O F, lots of. Lots of means many, बहुत सारे. Underline children, C H I L D R E N, children. Children means बच्चे. They all wave to Bindu. She waves back to them. Bindu saw a man who was sitting on a tractor. The man waves to Bindu and Bindu waves him back. Bindu saw a railway gate near the gate. A bus was standing in which there were many school children. They were waving to Bindu and Bindu also waved them back. जो रेलवे गेट था उसके पास एक बस खड़ी थी, स्कूल की बस, जिसमें स्कूल के बहुत सारे बच्चे थे। उन सारे बच्चों ने बिंदु को वेव किया और बिंदु ने भी उनको वेव किया। कम टू द फोर्थ पैराग्राफ। दे पास अ फील्ड, अ लिटिल बॉय इज सिटिंग अंडर अ ट्री, ही हैज अ स्टिक इन हिज हैंड, अंडरलाइन स्टिक, स्टिक मीन्स छड़ी। There are lots of sheep around him. Underline sheep. Sheep, S H E E P, sheep. Sheep means bheed. They are eating the grass in the field. Underline grass. G R A S, grass. The boy waves to Bindu. Bindu waves back to him. After that, Bindu and her mother's train passed by a field. They saw a boy sitting under a tree with a stick in his hand, and lots of sheep were grazing near the boy. Grazing means eating grass. The boy waves to Bindu and Bindu waved him back. उसके बाद बिंदु और उसकी मम्मी का जो ट्रेन है वो एक फील्ड के पास से गुजरता है, तो वो देखती है कि एक पेड़ है, पेड़ के नीचे एक लड़का बैठा है हाथ में छड़ी लेके, और उसके आसपास बहुत सारे भेड़ जो है घास चर रहे थे। उस लड़के ने भी उसको वेव किया और बिंदु ने उसको वेव बैक किया। कम टू द नेक्स्ट पेज। Bindu tells her mother, I love going on a train. Ma, there are so many people and so many things to wave to. Bindu said to her mother that, Mother, I enjoyed a lot because there are so many people and things to wave to us. This story shows that Bindu enjoyed a lot in the train because she saw many things and people passing by through
the train. This story also shows that Bindu was a friendly girl because she loves to interact with people and things. Now come to the first exercise. Whom does Bindu wave to? Look at the picture. Look at the picture below. Tick only the right pictures. You will put a tick mark in the given picture. To whom does Bindu wave to? First one is green field. Bindu wave to the green field. This one is correct. So put a tick mark. सबसे पहले बिंदु ने green field देखा था rice plant के साथ ना. B. Cow. This one is correct. So put a tick mark. C. A girl on bicycle. This is not correct. So put a cross mark. इस लेसन में कहीं भी बिंदु ने किसी लड़की को बाइसिकल में नहीं देखा था. D. A man on the tractor. This one is correct. So put a tick mark. E. A man on the horse. This one is wrong. So put a cross mark. F. Children in the bus. This is the correct. So put a tick mark. G. A boy who was grazing sheep. It is correct. So put a tick mark. Next exercise, true or false. Write capital T for true and write capital F for false. First one, Bindu and her mother are on a bicycle. This sentence is wrong. You know, Bindu and her mother are on a train. So write down capital F. F for false. Second, a man is sitting on a tractor. This sentence is correct. So write down capital T. Third one, Bindu sees a cow eating grass. Yes, this sentence is correct. So write down capital T. Fourth one, the little boy sitting on a tree. This sentence is wrong. The little boy sitting under a tree. So write down capital F. Fifth one, Bindu does not like trains. This sentence is wrong. So write down capital F. Bindu likes train journey too much. Is Bindu a shy girl who does not talk to everyone? Or is she a friendly girl? Why do you think so? Bindu is not a shy girl. She is a friendly girl. She waved to all that because she likes people and happily wave at anything and anyone. Exercise number 4. Do you like to travel on a train? What do you like or don't like about it? Talk about in the class. Do you like to travel on a train? Yes, I like to travel on a train. What do you like or don't like about it? I like natural things which comes on the way. We don't like the people making the train dirty. Exercise number 5. Read about Bindu and Beena. Bindu is playing outside her house. She sees her mother's friend. Bindu smiles at her and says, "Hello, auntie." This shows that Bindu is a good girl because she respects and greets her elders.
Now second one. Beena is playing outside her house. She sees her mother's friend. She does not smile. She turns her face away and goes on playing. This shows that Beena is not a good girl because she does not respect and greet her elders. Who do you think was more polite? Why? Bindu was more polite because she greeted her friend's mother when she saw her. What should you do when you see your mother's friend? We should smile and greet our friend's parents when we see them. Now, rest of the exercise we will do in next turn. Till then, take care. Bye.